Hi guys, welcome back to my channel. This is me too. Honestly, I was just getting ready and I was about to try out the new Rare Beauty products which I recently got. I actually asked my friend who lives in UK to get it for me, so he got it. I got a foundation, concealer and a primer. So I thought why not try it out in front of you guys so that I can share my opinion, my thoughts about the products. So if you guys want to know about the products, please keep on watching. So I've already prepped my skin. I have used the Pixi Glow Tonic and I've also applied moisturizer from the Face Shop India. Now I'm going to move on with the primer. Oops, I think my primer line here, so I'm going to take it and take it. So yeah, it is. This is the Rare Beauty Illuminating Primer Base Illuminatrice. And this is how it looks. Honestly, जब मैं वेबसाइट में देख रही थी मुझे लगा था ग्लास का बॉटल होगा, काफ़ी हैवी रहेगा, बट इन पर्सन ये काफ़ी लाइट वेट है और टर्न्स आउट ये प्लास्टिक है और मैट है, विच इज़ नाइस क्योंकि ग्लास की बॉटल मैं कभी अपने पाउच में रख नहीं पाती, तो क्योंकि ये प्लास्टिक है और मैट है, 10 आउट ऑफ 10 फॉर पैकेजिंग. ऑनेस्टली मुझे प्राइस याद नहीं है क्योंकि उसने दूसरे करेंसी में बताया था, क्योंकि हाँ मुझे याद आया क्योंकि वो यूके में भी अवेलेबल नहीं था, तो उसने अपने कज़न से फ्रांस से मंगाया था, तो ये उस करेंसी में है तो मुझे याद नहीं है, बट मैं उसे पूछ के अभी यहाँ लिख दूँगी. सो अब मैं यूज़ करती हूँ. सो दिस इज़ लाइक ए हाइड्रेटिंग प्राइमर. दिस इज़ द टेक्स्चर. This is like a moisturizer. काफ़ी creamy है. मैं generally primer बहुत कम लगाती हूँ, मतलब सिर्फ यहाँ लगाती हूँ, यहाँ लगाती हूँ और थोड़ा सा यहाँ जहाँ मतलब problematic area है मेरा, जहाँ pores है, बट ये इतना hydrating है मुझे ऐसा लग रहा है मैं अच्छे से पूरे मुँह पर लगा दूँ और अच्छे से hydrate कर लूँ. It seems like this is kind of a moisturizer plus primer. जैसे स्मैश बॉक्स का है वो विटामिन सी वाला, इसका फील काफ़ी वैसा है. नाउ आई कांट से फॉर नाउ दैट हाउ मच माई मेकअप विल लास्ट, सो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी. मैं डे ख़त्म होगा तब मैं शूट करूंगी कि मेरा फाउंडेशन कैसा दिख रहा है, बट फॉर नाउ इट फील्स रियली नाइस. माई स्किन फील्स प्रेप्ड एंड हाइड्रेटेड. सो नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन विद द फाउंडेशन एंड दिस इज़ द रेयर ब्यूटी. बस यही नाम है, रेयर ब्यूटी फाउंडेशन इन द शेड 270N. और ये मुझे मेरा शेड लग रहा है, मतलब मैं इतनी प्राउड हूँ खुद के लिए, क्योंकि जब ये आया था फाउंडेशन मैंने तभी तुरंत लगा दिया था कि मैच कर रहा है या नहीं, उतना मैं रुक नहीं सकती हूँ, तो मैंने वो फटाफट देख लिया था. बट दिस इज़ माई शेड एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैंने इतना गूगलिंग किया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, मालविका सतलानी का देखा था और फाउंडेशन वेबसाइट में देखा था, बहुत सारी चीज़ें देखी थी, तो आई एम हैप्पी कि ये मेरे शेड का थोड़ा सा वॉर्म दिख रहा है, बट वो चलेगा, आई थिंक चलेगा. और सबसे अच्छी बात ये है कि एप्लीकेटर के साथ आता है, तो मैं इसे ट्विंग ट्विंग लगा सकती हूँ. ओके, दिस एप्लीकेटर इज़ सो ईजी टू अप्लाई दैट आई एम गोइंग क्रेजी विद द अमाउंट ऑफ फाउंडेशन आई हैव अप्लाइड ऑन माई फेस. मैंने बहुत ही ज़्यादा ओवर कर लिया है. मैंने यूज माई रूफा ब्यूटी फाउंडेशन ब्रश आईबी 23 टू ब्लेंड दिस आउट. लेट मी ज़ूम इन. सॉरी बट एक सेकेंड, दिस फील्स रियली नाइस. आई हैव नो वर्ड्स एक्चुअली. ये बताऊँ कैसा लग रहा है, शब्द नहीं आ रहा, बट दिस इज ब्लेंडिंग लाइक अ ड्रीम यू गाइज. मुझे ना फाउंडेशन इतनी जल्दी मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है मतलब पता चलने में कि वो स्किन में कैसा लग रहा है वगैरह, बट इसने ऑलरेडी अटेंशन ले लिया क्योंकि जिस तरीके से ये ब्लेंड हो रहा है मैंने ऐसा फील नहीं किया कोई फाउंडेशन में. आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर टू फेंटी ब्यूटी. यस हाँ, फेंटी ब्यूटी ऐसा फील हो रहा है. और ये बताओ एकदम मैट है बट ग्लोई है.
Okay guys, so the foundation is done. Now a couple of things which I would like to tell you about this foundation. Number one, I really enjoyed applying this foundation. मुझे पता है बहुत बार ऐसा लोग बोलते हैं कि foundation लगाना पसंद नहीं है क्योंकि it's very time consuming, क्योंकि आपको time लगाना पड़ेगा, अच्छे से blend करना पड़ेगा, वरना आपका foundation cakey लगेगा या फिर कहीं बहुत ज़्यादा कलेक्टेड लगेगा. तो ये फाउंडेशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ. जब मैं ब्लेंड कर रही थी, इट वॉज़ फीलिंग लाइक कि अपने आप जा रहा है, ये अपने आप फाउंडेशन को पता है कि ये कहाँ जाना चाहता है. बहुत ही इवनली अप्लाई हुआ है, आप देख सकते हैं. और ये मुझे आई थिंक कुछ 20-25 सेकेंड्स लगे इसको ब्लेंड करने में. और दूसरी बात ये है कि दिस इज़ ए सैटिन फिनिश वाला फाउंडेशन, लाइक यू कैन सी द ग्लो. बट जब मैं उसको ब्लेंड कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मैट फाउंडेशन लगा रही हूँ, क्योंकि वो एकदम लाइट वेट था. बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कोई लिक्विड फाउंडेशन या कोई ड्यूई फाउंडेशन लगाती हूँ तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा हैवी लगता है, क्योंकि वो काफ़ी उसकी कंसिस्टेंसी लिक्विडी होती है और यू नो ड्यूई रहता है, और ऐसा लगता है कि उसमें मॉइस्चराइज़र भी है, ऐसा लगता है. वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो बहुत पसंद है. बट ये फाउंडेशन कुछ अलग ही था. मुझे ऐसा था कि मैं मैट फाउंडेशन लगा रही हूँ, इसमें थोड़ा पाउडर है, क्योंकि वो जिस तरह से ऐसे स्कैटर हो रहा था बहुत ही अच्छे से हो रहा था, लेकिन जैसे ब्लेंड हो गया तो ये सैटिन फिनिश दे रहा है, ये ग्लोई फिनिश दे रहा है. तो ये दो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस फाउंडेशन के बारे में. आई रियली होप कि ये लास्ट करे, एंड आई रियली होप कि ऑक्सीडाइज ना हो, क्योंकि ये दो चीज़ मुझे इस फाउंडेशन के बारे में बहुत अच्छी लगी. एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी माई फेवरेट फाउंडेशन. टू सून टू से दैट, बट मज़ा आया. नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ द कंसीलर, एंड दिस इज़ अगेन इन द सेम शेड, दिस इज़ द 270N. और ये थोड़ा लाइट वेट दिख रहा है. मैं हमेशा कंसीलर थोड़ा सा एक शेड लाइटर लेती हूँ, और दोनों के शेड नेम सेम ही है. इन्होंने कंसीलर ऐसे ही बनाई है कि कंसीलर का शेड आई थिंक थोड़ा सा लाइट हो, उन्होंने ऐसे ही बनाया है, विच इज़ फेयर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट. दिस अगेन हैज़ द सेम एप्लीकेटर, तो लगाने में बहुत ही आसानी हो जाती है. मैं एकदम हल्का लगाऊंगी. पता है फाउंडेशन लगाने में इतना मज़ा आया कि अब मुझे ऐसा लग रहा है ऑलरेडी कि कंसीलर तो अच्छा हो गया ही. ऐसा होता है मेरे साथ. आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट आउट यूजिंग द पैक 219 कंसीलर ब्रश. गाइस ये भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है इस वीडियो में मैं सिर्फ वाव वाव करने वाली हूँ. कैन यू सी कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है. जस्ट लाइक मुझे ऐसा लग रहा है मैं सामने आपके घर पे आ जाऊँ और बताऊँ. यार मैंने कितना सही शेड पिक किया है. आई एम सो प्राउड ऑफ मायसेल्फ. कंसीलर इज डन. नाउ द वन थिंग विच आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस कंसीलर इज इट्स सुपर हाइड्रेटिंग. नाउ कंसीलर टेंड्स टू बी really heavy because it has to be full coverage, तो वो कई बार ऐसे एकदम powdery होता है और थोड़े कम hydrating होते हैं. तो बस वो एक problem होता है concealer के साथ. इसके लिए हमेशा under eye cream लगानी चाहिए, but in this concealer it's already hydrating, so bonus है. और ऐसा लग रहा है अगर मैंने मेरा brand निकाला होता तो मैं ये सब चीज़ें ध्यान रखती, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे चाहिए होती है जब मैं मेकअप करती हूँ. सो आई एम सुपर हैप्पी विद द कंसीलर एंड फाउंडेशन. और आई क्रीम आपको लगानी है, भले ही कितना भी हाइड्रेटिंग हो, आपको आई क्रीम लगानी है. नाउ टू सेट माई कंसीलर आई एम यूजिंग द क्लिनिक सेटिंग पाउडर. ये भी मैंने अभी न्यू लिया है और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है. लाइक के ब्यूटी के अलावा भी मैं लाइफ में कुछ यूज़ कर रही हूँ. Now I'm gonna complete the rest of my makeup and I'll be right back. Hi guys, I'm back and this is the look that I have created. And for my eyes I have used the Huda Beauty Remastered palette. For my lips I have used Sugar
Cosmetics, Emma Woodhouse. For my blush, I have used Nude Sticks blush, which is so bomb. वो मैं अलग वीडियो में बताती हूँ. But this is the look, and I am totally obsessed with how my skin is looking right now. Let me zoom in. Can you guys see how my skin is glowing? I've also applied the highlighter from Wet n Wild, but उसके अलावा भी skin is looking really good. Let me show you. It's not at all cakey, it's not at all heavy, it's not at all greasy. And also, do you guys know कि जब हम foundation लगाते हैं हम एकदम DNT मोड में होते हैं, do not touch me, क्योंकि ऐसा लगता है कि थोड़ा foundation को बैठने दो, थोड़ा सा skin में जाने दो, फिर बाद में मैं अपना face छूती हूँ या फिर कुछ भी. But इस foundation में ऐसा कुछ नहीं है. Look at me, I'm touching my face. Obviously एकदम सेट इन नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी लाइट वेट है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ लगाया है. आई थिंक फ़ोन में थोड़ा बहुत तो होगा ट्रांसफ़र. हेलो हेलो हेलो. हाँ, थोड़ा सा ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन फिर भी बाकी फाउंडेशन के अगर कंपेयर करें तो ये बहुत ही ऐसा लग रहा है कि एकदम हैवी फील नहीं हो रहा है. इन शॉर्ट, आई थिंक मुझे ऑलरेडी फाउंडेशन बहुत अच्छा लग गया है. सो फार सो गुड, बट स्टिल आई एम गोइंग टू बी बैक 10 o'clock. मैं तब बताऊंगी कि प्राइमर ने कैसा काम किया है, फाउंडेशन कैसा लास्ट किया है, ऑक्सीडाइज किया है या नहीं, तो टू बी डिस्कस्ड. सो आई बी बैक 10 o'clock. ओके, बाय. हाय गाइस, सो आई एम बैक एंड द टाइम इज़ 11:19. रात के 11:15 हो गए हैं एंड आई थिंक माय मेकअप स्टिल लुक्स गुड, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस. आई थिंक प्राइमर ने बहुत अच्छा काम किया है एंड इफ़ यू सी द शाइन इज़ स्टिल देयर. लेकिन शाइन वैसा नहीं है ऑयली वाला टाइप्स, बहुत ही अच्छा शाइन है और बस आई फील गुड. ऐसा लग रहा है कि नेचुरली बहुत अच्छा ग्लो दे रहा है. एंड इफ़ आई जूम इन, you guys can see it's looking like really skin like. So wow, so my final verdict is this is a really good foundation if you are looking for a nice glowy foundation with kind of a matte finish, I can say that. And I think it's worth every penny. You guys let me know if you guys think ki koi difference aaya hai subah se leke abhi tak. Mujhe to koi nahi lag raha. I mean, I still look presentable, I still look fresh. I am really happy with the product and I think this is my, you know, it comes in my top 5 foundation list now. So that's it for today's video. I hope you guys enjoyed it. And I also have Fenty Beauty foundation. Do let me know if you guys want to have a review video like this for that one too. And I would be happy to do that. And yeah, I'll end my video over here. Also, aaj mere baal bahut hi acche ho rahe hain. Maine wo new shampoo use kiya. I think it's called the Dream Length range. Aur kaafi healthy aur shiny lag rahe hain. Okay, I'll end my video over here. Thank you so much for watching my video. I'll see you next Friday. Bye.